आर्मी एक्ट बिल की हिमायत पर कारकुनान में बढ़ते खदशात और तहफ्फुजात, शहबाज शरीफ ने वजाहत के लिए पार्टी इजलास तलब कर लिया। वर्कर कन्वेंशन में सीनियर पार्टी रहनुमा कारकुनान को एतमाद में लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आर्मी एक्ट बिल की गैर मशरूत हिमायत के मामले पर वजाहत के लिए रवा माह वर्कर कन्वेंशन बुलाने का फैसला किया है। लीग इजराए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पार्टी के आम रहनुमाओं से राब्ता किया है। राब्ते का मकसद पार्लियामेंटेरियन और पार्टी कारकुनों में क्यादत की मशावरत के बगैर आर्मी एक्ट की गैर मशरूत हिमायत की वजह से पाए जाने वाले खदशात, तहफ्फुजात और गम गुस्से को दूर करना है। नवाज लीग के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी के आम रहनुमाओं को हिदायत की है कि वो पार्टी वर्कर कन्वेंशन बुलाएं ताकि मेंबरान असेंबली और कारकुनों के अंदर पाए जाने वाले तहफ्फुजात को दूर किया जा सके। शहबाज शरीफ ने रहनुमाओं को मजीद हिदायत की कि वो कारकुनों को बताएं कि पार्टी ने आर्मी एक्ट की गैर मशरूत हिमायत करके पाक फौज को बतौर इदारा न सिर्फ कमजोर होने से बचाया है बल्कि इसको मजबूत बनाने के लिए इसकी हिमायत की है। पार्टी सदर ने रहनुमाओं को यह भी हिदायत की है कि वो कारकुनों को बताएं कि हुकूमत ने पाक फौज जैसे अहम कौमी इदारे को मुतनाज़े बनाने की भरपूर कोशिश की जिसमें वो नाकाम रही। नवाज लीग आज भी वोट को इज्जत दो के बयानिए पर खड़ी है।